भविष्य दाव पर लगा है सही है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी डटे रहना वेलकम टू मार्बल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं तो डॉक्टर सेंज का बुल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी से शुरू हो जाओ तो यहाँ पर मैं कुछ चूतियों ने क्या किया कस्टम गेयर में सी टी पी डाल दिया अबे एक बार का ऑब्लिस्क दे देते दे चल जाता कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन सी टी पी ट्रांसफर्डेंस नहीं देना चाहिए सत्यानाश कर रहे हो खुद का कैरेक्टर का एक तरफ में दूसरी तरफ में पी यू पी के लिए सिहाँ पर यहाँ पर अथॉरिटी वो भी चल जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सी टी पी रेज देना है डॉक्टर स्ट्रेंज को ना कि ट्रांसरस तो बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं मैंने आईडी चेक किया थोड़ी देर पहले मैं लाइव स्ट्रीम किया था नहीं देखा है तो जाके देख लो उसमें काफ़ी सारे लोगों की मैंने आईडी कवर किया जिन लोगों ने दो महीने से भी ज़्यादा समय से आईडी दे रखी थी उनकी मैंने आईडी चेक किया तो उनका मैंने निकाला और उनकी आई चेक कर दिया तो नहीं देखा है तो जाके देखो अभी थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम किया था वो लाइव स्ट्रीम जाके देखो गो एंड बुड वीडियो देख लो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये रहा रैंकिंग और कैरेक्टर पर रैंकिंग में जाएंगे ब्लास्ट टाइप के कैरेक्टर को सेट करेंगे और यहाँ पर रहा डॉक्टर स्ट्रेंज तो डॉक्टर स्ट्रेंज को मैक्सिमम लोगों ने सि टी पी रेंज दे रखा है मैक्सिमम ये महाशय ने तो सिटी पी एनर्जी चढ़ा रखा है ये वाले बंदे ने सि टी पी रेंज दे रखा है और इस तरफ में हम लोग बात करें तो ये बंदे ने तीसरे नंबर के बंदे ने सी टी पी रेंज दे रखा है और 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 चलो दूसरा वाला दिखाता दो सि टी पी रैंकिंग ठीक है अब यहाँ से मैं करता हूँ ब्लास्ट टाइप के कैरेक्टर को और रखता हूँ अपने श, अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को और यहाँ पर मैं थर्ड नंबर का जो सी पी है सी टी पी रेज इसका ये सी टी पी रखना है डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर में ये वाला बाकी सी पी नहीं रखना है ये जो यहाँ पर मैं नंबर वन पे जो दिखा ना टट्टी सी टी ये कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं देना है सी अथॉरिटी भी एक बार का चल जाएगा पर ट्रांसेंडेंस नहीं देना है नहीं देना है रेज दो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है साला गलत कैरेक्टर को गलत सिटी भी देते हो बाद में बिल मेरे पे फाड़ते हो रही बात अभी बुल वीडियो की तो वो बना देता हूँ तो अटैक स्पीड 130 थर्टी क्रेडिट का डेट सेवेंटी फाइव क्रेडिकर डैमेज दो सौ परसेंट इग्नो डिफेंस फिफ्टी इग्नो डॉज फिफ्टी परसेंट तक उसके बाद में डॉज सेवेंटी फाइव पर तक और कूलडाउन ड्यूरेशन फिफ्टी और बाकी की चीज़ें जो भी तुम्हारे पास में है वो तुम्हारे कैरेक्टर के डेवलपमेंट में मैटर करता है और एनआर टाइप का लेवल तुम्हारे इस पर डिपेंडिंग करेगा सारे स्किल्स मैक्सिमम अपग्रेड करने आईसेट की बात तो आईसेट में तुमको देना है एग्रा फल्क ओवर ड्राइव और हॉकाई ये तीन आईसोड सेट बोनस में से कोई भी आईसेड सेट बोनस आता है तो डॉक्टर शेंज को दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तीनों बेस्ट है ये तीन आईसेट सेट बोनस के अलावा बाकी कोई और सेट बोनस आता है तो वो बिल्कुल भी डॉक्टर शेंज को नहीं देना है डॉक्टर शेंज को एग्रा फल्क ओवरड्राइव और हॉकाई ये तीन आईसेट बोनस में से ही आईसेट सेट बोनस देना है बाकी कोई नहीं मेन मेन आईसोट बता देता हूँ यहाँ पर मैं ऑल अटैक ऑल डिफेंस ऑल डिफेंस एनर्जी अटैक प्लस डॉच एनर्जी अटैक प्लस क्रिटिकल डेट एनर्जी अटैक प्लस क्रिटिकल डैमेज एनर्जी अटैक प्लस एच ऑल अटैक प्लस एच और बाकी के जो चीज़ें हैं क्रिटिकल डेट है क्रिटिकल डैमेज है वगैरह वही सब चीज़ें आईसोट में दे सकते हो इसके अलावा बाकी कोई भी फालतू फालतू चीज़ें एनर्जी डिफेंस फिजिकल अटैक बारे जो है आईसोट मत देना ठीक है उससे डॉक्टर शेंच डिफेंस सिस्टम ख़राब होगा उसका अटैक सिस्टम ख़राब होगा वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तुमको अगर चाहिए डॉक्टर शेंच ओपी बने तुम्हारा कैरेक्टर पावरफुल बने तो डिफेंस वाली चीज़ें मत देना रिपीट अगेन डिफेंस वाली चीज़ें मत देना ऑल डिफेंस चलेगा पर एनर्जी एनर्जी डिफेंस या फिजिकल डिफेंस या फिजिकल अटैक वाले उरू या आई स्वेट वो मत देना रिपीट अगेन अभी सीटी का मैंने बता दिया सीटीपी रेज देना वो परफेक्ट है उसके लिए नहीं तो सी अथॉरिटी पी के लिए मतलब टर्म टर्मलमेटे के लिए उसके अलावा बाकी कोई भी सी टी मत देना ऑब्लिस्क ब्लिस देते हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है और कस्टम केयर की बारी सॉरी गियर की बारी तो गियर में तुमको देना है ऐसे ब्लेसिंग शुरू जिसमें एनर्जी अटैक प्लस क्रिटिकल डैमेज वाला हो ये ब्लेसिंग शुरू अच्छे से ध्यान से देख लो बॉस अल्टीमेट के हर एक अलग अलग स्टेजेस में बॉस अल्टीमेट ब्लैक डॉर्फ प्रोक्सीमा कॉरबॉस इबोनी थानोस केबल वांडा एपोकेलिप्स, और ये बाकी और दो चार स्टेजेस, उसमें अलग अलग ब्लसिंग्स रू डाल रखे हैं, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ब्लैसिंग्स रू मिलता है लक के हिसाब से जाओ जैकेट ट्राई करो नहीं मिलता है दोबारा ट्राई करो नहीं मिलता है दोबारा ट्राई करो नहीं मिलता है दोबारा ट्राई करो कभी न कभी तो एक ब्लैसिंग्स रू मिलेगा लो स्टेज पर ज़्यादा मिलता है तो लो स्टेज ट्राई करते रहो सी सिया टाइट बुक वही से मिलेंगे लो स्टेज से और बाकी का तुमको रू बता देता हूँ एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट क्रिटिकल डैमेज उसके बाद में अपने बाकी का मैं क्या बोल रहा था और एच के ऊरू चल लाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कॉमिक कार्ड से हेल्थ पावर कम मिल रहा है तो एच के ऊरू लगा सकते हो उसके बाद में एनर्जी अटैक स्किल क्रूडल डूशन उसके बाद में एनर्जी अटैक क्रिटिकल डैमेज एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट उसके बाद में एनर्जी अटैक इग्नो डिफेंस और एनर्जी अटैक प्लस स्किल क्रूडल एनर्जी अटैक प्लस एनर्जी अटैक ऐसे वाले ब्लेसिंग शुरू चढ़ा सकते हो डॉक्टर शेंज को पावरफुल बनाने के लिए मैंने मैक्सिमम एक एक ब्लेसिंग शुरू डॉक्टर शेंच को दिया हुआ है क्योंकि मेरे पास में अभी सिटी पी रेज नहीं है इसलिए ज़्यादा मैंने डॉक्टर शिज को ओ पी लेवल का हाई लेवल के अपग्रेड नहीं दिया है सिटी पी रेज ना होने के वजह से इसलिए मैंने इसको पेंडिंग में छोड़ा हुआ है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया सूट आएगा उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ स्पाइडामैन हो सकता है नोवे होम में डॉक्टर शेंच का नया सूट देखने को मिले तो उसका भी अपडेट आने के चांसेस है पर वो मूवी कब तक आएगी पता नहीं अगले साल मार्च महीने में, में मेरे घर से डॉक्टर शेंज मल्टीवर्स ऑफ मैंडस आने वाला है तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वेट कर रहा हूँ वो यूनिफॉर्म के लिए तो ये है डॉक्टर शेंज का आप बोल्ड वीडियो तो इसमें जो जो मैंने चीज़ें बताए हैं वो जाके ट्राई करो और जो तीस चीज़ तुम्हारे पास में नहीं है उसको इम्प्रूमेंट करो वो लाओ कलेक्ट करो और फिर सेट करो और कोई भी जल्दबाजी मत करना धीरे धीरे करके कैरेक्टर के ऊरू वगैरह बाकी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करो जितना तुम लोग बेस्ट अपग्रेड डूगे जितने ज़्यादा बेस्ट चीज़ें दूंगे कैरेक्टर का रैंक बढ़ेगा कैरेक्टर परफॉर्मेंस बढ़ेगा कैरेक्टर का ऑटोमेटिकली लेवल भी बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन रिमेंबर अगेन एंड लक इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम ठीक है वो भी याद रखना तो डॉक्टर अशिश का एटी के बढ़ाने के लिए तुमको एनर्जी अटैक के एनर्जी अटैक के आईसोइट और एनर्जी अटैक का तुम्हारा सारे सेटिंग करनी पड़ेंगी और इसके जो यूनिफॉर्म सेक्शन है वो भी बता देता हूँ यूनिफॉर्म सेक्शन में तुमको बाकी ओपन बोनस ओपन करने के लिए तुमको जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर मैं चेंजेस करने पड़ेंगे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर मैं एनर्जी अटैक मैंने लाया और टैक्स स्पीड के जगह पे तुम लोग बाकी की चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो डॉच की जगह पे कुछ और चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो ऑल अटैक के जगह पे कुछ और चीज़ें तुमको लानी है तो वो भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हो अब यहाँ से मैंने इसको काफ़ी हद तक चेंजेस किया है तो यहाँ पर मैं तुम देख सकते हो कि काफ़ी हद तक चेंजेस हुआ है जैसे वहाँ पर मैं मैंने अभी क्या लाया था एक मिनट एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मैं मैंने लाया था एनर्जी अटैक तो थोड़ा सा डॉक्टर शेंज का एनर्जी अटैक जो है थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पर मैं एनर्जी अटैक थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी टू का एनर्जी अटैक दिखा रहा है तुम्हारे इसमें कॉमिक कार्ड के हिसाब से ऑल अटैक जितना जाएगा एनर्जी अटैक जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही डॉक्टर श्रेण का पावर लेवल उसका परफॉर्मेंस और उसका ए के बढ़ेगा उतने ही जल्दी स्टेजेस क्लियर करने की एबिलिटी पॉसिबिलिटी उसके पास में आएगी सी टी पी ट्रांसजेंडर डॉक्टर श्रेच को मत देना रिपीट अगेन जिस जिसने भी दिया है ना वो वहाँ चूतिया है और चूतिया रहेंगे गुस्सा आ रहा है तुमको आने दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जो सच बोल रहा हूँ वो सच है ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर श्रेंच को मत देना बहुत से घटिया लोगों ने दे रखा है तो अपने गल, गलतियों को सुधारो और डॉक्टर सेंच को सिटी पे रेच देना और नहीं है तो अब्लिस दे के काम चलाओ कोई दिक्कत नहीं है मैं भी चलाता हूँ दिखाऊ क्या चलो दिखा देता हूँ अभी आगे का परफॉर्मेंस देखो डॉक्टर स्ट्रेंज का देखा चालीस स्टेज लेवल फोर्टी कुछ ही सेकंड्स के अंदर में डॉक्टर शेड ने कंप्लीट कर दिया वेपन एक्स के मदद से कुछ लोग बोल रहे थे कि वेपन एक्स का यूज़ क्या है वेपन हैक्स का जो डिक्रेस टू परसेंट डिक्रेस ऑल डिफेंस फोर परसेंट डिक्रेस ऑल डिफेंस एट परसेंट डिक्रेस ऑल डिफेंस ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक स्टेजेस जल्दी क्लियर करने में मदद करती है जो मेन बॉस है जैसे थनॉस हो गया आ, अपना कोल ऑप्सीडेंट हो गया प्रॉक्सिमा प्रॉक्सिमिनट होगी कॉर्बस ग्लाइव वो उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा तरीके से कमज़ोर करने के लिए और अपने कैरेक्टर का इम्प्रूवमेंट डैमेज इंक्रेज करने के लिए ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा काम आते हैं यहाँ पर मैं कैप्टन का जो हाइड्रा वाला सूट है वो भी इसमें हेल्प करता है तो यहाँ पर मैं कैप्टन हाइड्रा और वेपन एक्स दोनों को अगर टीम सेट में किया जाए तो काफ़ी हद तक जल्दी स्टेज क्लियर होता है वन शॉट जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में तो उसी के लिए यहाँ पर मैं वेपन एक्स और कैप्टन जो हाइड्रा वाला सूट है वो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के फाइव अलायंस वाले कैटेगरी में सपोर्ट टीम में यूज़ किया जाता है और वेरम का रिकवरी के लिए ठीक है समझ में आया तो ये है डॉक्टर शेंच का बुर्ड वीडियो तो जाओ जाके अपने डॉक्टर शेंच को अपग्रेड करो आने वाले फ्यूचर के लिए फ्यूचर के फाइट के लिए अपने डॉक्टर शेंच को प्रिपेयर करो और सही बुड वीडियो बनाया मैंने तो जाओ जाके देखो और शेयर करो और प्ले में अवेलेबल है प्ले में ऐड कर दूंगा तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो कैरेक्टर बुल्ड वीडियो एम सारे कैरेक्टर के वीडियो मैंने बना दिया टी थ्री कैरेक्टर मोस्ट टी थ्री करैक्टर पावरफुल कैरेक्टर तो उसके बुल्ड वीडियो जाके देखो और शेयर करो जिसने नहीं देखा उन तक पहुँचाओ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कैरेक्टर कोई भी प्लेयर गलत अपग्रेड कर रहा है तो उसको इन्फॉमेशन प्रोवाइड करो उस तक पहुँचाओ और आने वाले फ्यूचर में और भी हमें बेहतर अपग्रेड देखने को मिलेंगे इसलिए हो सके तो अपग्रेड नहीं है मटेरियल नहीं है तो पोस्टपोन करके रखो होल्ड पे डाल दो कर दे दो चलेगा पर गलत सिटी भी मत दो रिपीट अगेन गलत सिटी भी गलत ब्लेसिंग शुरू मत दो रिपीट अगेन धन्यवाद मान का दाव पर लगा है। सही है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी डटे रहना तो फिर तो जोर से बाबू भैया राजू का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है तुम मेरी बात सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना कोई पता ठिकाना ना कोई प्लान और रही बात भरोसे की तो वो क्या शून्य अंडा बंद रखो बिखनी बड़े बात कर रहे सॉरी दोनों का रिश्ता क्या है घर में रहे सुरक्षित रहे अपने आसपास पेड़ और पौधे को पानी दे एंड पानी को बचाए पानी ही जीवन है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट जरूर चेक करें एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़